हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी विद साक्षी फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत ही यम्मी और चटपटी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं पपीते की सब्जी बनाने वाली हूँ फ्रेंड। तो क्या आप लोग को भी पपीता का रेसिपी आपको बोरिंग लगता है या फिर सादा लगता है? तो चलिए आज कुछ चटपटा सब्जी बनाते हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगने वाली है। फ्रेंड, इसके लिए मैंने देखिए पपीते को कट कर लिया है और ये देखिए ये है कुछ मसाले, इसे हमें ग्राइंड कर लेना है फ्रेंड। और देखिए मैंने टमाटर भी कट कर लिया। तो चलिए, अभी मेरा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल मिलाया है और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने। और अभी तेल गर्म हो चुका है तो इसे मैं फ्राई कर लूँगी पपीते को, और अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा हल्दी इसमें ऐड कर देना है ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें ढक ढक के इसे पका लेना है फ्रेंड। तो बीच बीच में चलाते रहिए और 5 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा पपीता भून चुका है कितना अच्छा से, और ये जो कढ़ाही में जो तेल बचा है चलिए इसमें थोड़ा सा और तेल डाल देते हैं। तो अब ये देखिए ये भी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें फ़ौरन डाल दूंगी। तो फ़ौरन देखिए फ्रेंड इस तरीके से। और हाँ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए ये है मेरे कुछ ये मैं डाल दी हूँ फ़ौरन, इसमें जीरा मिर्ची और काली मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड था और तेज पत्ता, और वो जो मसाले मैंने दिखाए थे आपको लहसुन प्याज और अदरक वगैरह और मिर्ची, उसे मैं इसमें डाल के इसे भून लूँगी अच्छे से, इसे फ्राई कर लेना है। आप यहाँ पे चाहो तो अगर आप और तीखा खाना चाहते हो तो उस पर मिर्ची ऐड कर सकते हो, मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हो, बट मैंने उतना इनफ डाला था, उतना ज़्यादा और मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं नमक और हल्दी ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से भून लेना है कच्चापन इसका ताकि निकल जाए अच्छे से। और इसमें मैं ऐड करूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, और आप चाहे तो और भी मसाले ऐड कर सकते हो जैसे कि धनिया पाउडर हो गया। तो मैं गरम मसाला बाद में ऐड करूँगी, अभी नहीं। तो अभी मैं जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अभी देखिए ये मसाले भून चुके हैं तो अब मैं इसमें टोमेटो ऐड कर दूँगी और इसे भी अच्छे से पका लेना है, पूरा गल जाएगा ये, इसे ढक ढक के अच्छे से पका लेना है। तो चलिए इसे ढक के अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर पूरा गल चुका है और मसाले भी रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इसमें पपीता डाल देती हूँ और इसे फिर से अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं इसके साथ, मसालों के साथ। और फिर इसमें मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। ये देखिए गरम मसाला पाउडर मैं इसमें अभी थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। तो इसी तरह से हमें थोड़ा देर और भून लेना है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरह से आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है, कैसा लगा। तो इस तरह से हमें भून लेना है, और अब ये मसाले सारे भून चुके हैं तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी आप इतना डालिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए इसे मैं ढक दूंगी और पकने के लिए छोड़ दूंगी, और बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दे रही हूँ, और अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है तो अभी मैं इसमें धनिया डाल के फिर से इसे पका लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, तो चलिए थोड़ी देर और पका लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप देखिए फ्रेंड, ये फाइनली बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से पक चुका है और पानी भी सूख चुके हैं। तो फ्रेंड देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में भी कितना अच्छा और चटपटी लगने वाली है। तो अगर आप इसे और चटपटा करना चाहते हो तो आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दो, क्योंकि मैं भूल गई थी, तो आप अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का पपीते की चटपटी रेसिपी सब्जी। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में,
कुछ और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तो अभी आप इंजॉय कीजिए पपीते की ये सब्जी, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।